हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रिक्स। आज हम यूपी टेट, सी टेट और यू टेट में पूछे जाने वाले मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को पूरे डिटेल से जानेंगे। इन्होंने मानवीय जो प्रेरक बताए हैं वो 5 बताए हैं। इसमें मनोदैहिक प्रेरक, सुरक्षा प्रेरक, प्रेम व लगाव प्रेरक, आत्मसम्मान प्रेरक और आत्म अनुभूति प्रेरक को हम पूरे डिटेल से जानेंगे। मैस्लो ने क्या बताया है कि जो अभिप्रेरणा सिद्धांत होता है, इन्होंने इसमें आवश्यकताओं के वर्गीकरण तथा क्रम की व्याख्या की है। जो मनुष्य की आवश्यकता है उसका किस तरह से उसका वर्गीकरण होता है और क्रम में किस तरह से रखा गया है। अभिप्रेरणा में आवश्यकताओं की अनुभूति और संतुष्टि निहित होती है। जब व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होंगी वो संतुष्ट होंगी तभी वो क्या करेगा, उसमें आत्म अनुभूति का जो लास्ट वाला प्रेरक है वो जागृत होता है। उन्होंने मानवीय प्रेरक को एक क्रम में व्यवस्थित बताया है और मानवीय प्रेरक जो हैं 5 बताए हैं। फर्स्ट है इसमें मनोदैहिक प्रेरक, जिसको फिजियोलॉजिकल मोटिव्स कहते हैं। सेकंड है सुरक्षा प्रेरक, सेफ्टी मोटिव्स। थर्ड है प्रेम व लगाव प्रेरक, लव एंड अफेक्शन। फोर्थ है आत्मसम्मान प्रेरक और फिफ्थ आता है इसमें आत्म अनुभूति या स्वीकृति प्रेरक, जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिव्स। इसको हम एक डायग्राम से देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने इसको बनाया है। फर्स्ट इसमें दिखाया है फिजियोलॉजिकल नीड, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं कैसी होती हैं, भूख प्यास और रहने की आवश्यकता होती है। सेकंड इसमें सेफ्टी नीड्स होती हैं, जो कि मनुष्य के साथ साथ आपको जानवरों में भी देखने को मिलेगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखने को मिलेगी। थर्ड देखिए इसमें लव एंड बिलोंगिंगनेस ये भी मिलती है। इसमें व्यक्ति जब उसको रहना, खाना, पहनना, सुरक्षा मिल जाता है तो वो क्या जाता है, लव जाता है एंड बिलोंगिंगनेस जाता है। फोर्थ इसमें आती है स्टीम नीड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, आत्मसम्मान प्रेरक, जो कि वो समाज में चाहता है। फिफ्थ आता है इसमें आत्म अनुभूति प्रेरक, जिसको कहते हैं नीड्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें व्यक्ति जो भी उसके अंदर क्वालिटी होती है उसका वो योगदान अपने समाज के साथ, उसको समाज को वो अपना योगदान देना चाहता है या समाज का वो पथ प्रदर्शक बनना चाहता है। इस तरह से इन्होंने 5 मानवीय प्रेरक बताए हैं और इनकी अपनी अपनी विशेषता है। इसको अब आप पूरे डिटेल से हम फर्स्ट है इसमें मनोदैहिक या शारीरिक प्रेरक, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड कहा गया है। इसमें व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं के कारण ये उत्पन्न होती है। इसमें क्या चाहिए, भूख प्यास नींद की पूर्ति होना चाहिए। अगर ये इनकी पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति का जो शारीरिक संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है और उसके जो अस्तित्व होगा उसको खतरा उत्पन्न हो जाता है, यानी उसके अंदर कुछ विकृति भी आ सकती है। जब तक इन प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होगी तब तक वो उच्च स्तर की आवश्यकताओं को निम्न स्तर का ही समझा जाता है और इनकी इस संतुष्टि होनी आवश्यक है, तभी उच्च स्तर की आवश्यकताएं जो हैं उत्पन्न होंगी। सेकंड आता है इसमें सुरक्षा प्रेरक। इसमें क्या होता है, अपनी मनोदैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति प्रेरित होता है। इसके लिए वो क्या करता है, मतलब अपने जीवन में कोई खतरा ना हो तो उसके लिए वो कार्य करता है। इसमें वो क्या करेगा, अपने जो जीवन है उसको सुरक्षित रखने के लिए पूरे प्रयास करेगा। और ये जो प्रेरक होता है युवकों की अपेक्षा बालकों में अधिक देखने को मिलता है। इसके उदाहरण है जीवित रहना, सुरक्षित रहना, आदेश देना, और ये जो आवश्यकता होती है सभी जीवों में पाई जाती है, जानवरों में भी देखने को मिलती है। थर्ड है इसमें प्रेम व स्नेह। जब व्यक्ति की फर्स्ट और सेकंड नीड्स पूरी हो जाती हैं तो समाज से वह प्रेम, स्नेह, सहानुभूति की अपेक्षा रखता है। वह इस भावना के तहत अपने निकट संबंधी, पड़ोसी, मित्रों तथा अन्य लोगों से मधुर संबंध कायम करता है। वो क्या चाहता है कि वो लोगों को प्यार करे और लोग उसे स्नेह करें। इसमें क्या है, लिव एंड लेट लिव के सिद्धांत पर वो विश्वास रखता है। फोर्थ आता है इसमें आत्मसम्मान प्रेरक, जिसको स्टीम नीड्स कहा गया है। समाज में मधुर संबंधों के साथ साथ व्यक्ति अपने अहम तथा आत्मसम्मान को बचाए रखने का प्रयास करता है और इसके रक्षा के लिए वो अपने जीवन की क्या है, उसकी सार्थकता होती है। अपमान वो अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करता, इसके लिए वो क्या करता है, शक्ति ग्रहण करना चाहता है, स्वामित्व चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है और स्वतंत्र रहना चाहता है। अगर ये आवश्यकता उसकी पूरी ना हो तो उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। लास्ट वाला है इसमें फिफ्थ, आत्म अनुभूति प्रेरक। इससे बहुत बार सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आत्म अनुभूति प्रेरक जो होता है ये व्यक्ति की सबसे अंतिम इच्छा होती है। वह समाज के हित में कुछ योगदान करना चाहता है ताकि लोग उसे मरने के बाद भी जाने, और यह योगदान जो होता है ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा आध्यात्मिक किसी भी रूप का हो सकता है। और वो क्या करता है, समाज का पथ प्रदर्शक जो है बनना चाहता है।
उसके अंदर जो भी क्वालिटी होती है वो उसका योगदान वो समाज के लिए करना चाहता है। तो इस तरह से मैस्लो ने जो ये प्रेरक बताए हैं, ये एक बताए कि ये कड़ी के रूप में होते हैं और व्यक्ति को निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इम्पोर्टेंट मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।